सो अस्सलाम वालेकुम, आज का ब्लॉग कुछ इस तरह स्टार्ट होता है। अभी मैं पार्क में क्योंकि कल मेरी बाइक ख़राब हो गई थी, बाइक रात को मिलनी है ठीक होके, तो अभी वहाँ पे जाएंगे, चीज़ों को देखेंगे, अरेंजमेंट्स वगैरह और रिकवरी के वाले से जो भी चीज़ें हम सब चेक करेंगे। और बड्डा आने वाला है, बड्डा आ रहा है, वो तब आके बहुत ही सारी चीज़ों को जानवर की सेहत वगैरह देंगे मेरे, इंशाल्लाह। अब वहाँ पर पहुँच के दोबारा मिलते हैं। फार्म पे मैं आ गया हूँ, तो अभी जानवरों का वनडे का टाइम होने वाला है और लाइट का जो इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है। सॉरी, लाइट का जो इशू था वो पूरा हल हो चुका है और जानवरों का भी वनडे का टाइम होने वाला है और वनडा अभी तक आया नहीं है। खैर, साइलेज वगैरह बाहर निकलवा के तूड़ी छूड़ी डलवा के पट्टे शट्टे डलवा के रख देंगे, फिर जैसे ही वनडा आएगा तो वंडा तोल के फिर उसमें डाल के फिर जानवरों को आगे डाला जाएगा। और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं सारा आपको जो पेंडिंग कल वाली वीडियो में जो चीज़ रह गई थी और दिखाऊंगा कि किस तरह इसका मैं सारा चारा वगैरह तैयार करवाता हूँ। अभी ये मेरे पीछे लड़का साइलेज निकाल रहा है, हमारा साइलेज भी एक एंड पे है, तो इंशाल्लाह फिर जुमे रात वाले दिन जानवर चले जाने हैं और उम्मीद तो है इंशाल्लाह जुमे रात को चले ही जाएंगे स्लॉटर हाउस में। तो जुमे रात वाले दिन वाला जो ब्लॉग होगा उसमें वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि उसमें मैं इन जानवरों के लाइव वेट के साथ इनका मीट वेट बताऊंगा और जो स्लॉटरिंग का टाइम जब स्लॉटर हो रहा होगा तो एक एक जानवर की वीडियो वगैरह कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करूँ और उसे अपने इस चैनल पर डालूँ। ये माल है सारा सामने जो स्लॉटर में जाना है थर्सडे को। अब साइलेज जो रह गया था साइडों पे तो उसको इकट्ठा कर रहे हैं, तो अभी साइड से यहाँ से मैं निकालने लगा तो सोचा दिखा दें क्या मेहनत होती है डेली बेसिस पे, क्या कर काम पे। ये यहाँ से बराबर हो गया ना, इसका ऊपर जो मिट्टी पड़ी हुई थी और जो उन्होंने ये सारा वेस्टेज वगैरह फेंका हुआ था उसे नीचे डालेंगे ना तो जो शोपर है उसके ऊपर से वजन कम हो जाएगा और नीचे जो साइलेज इसके दबाव है वो सुकून से बाहर आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि मैं दूसरी साइड पे जाके करना पड़ेगा क्योंकि इधर का जो काम था वो मेरी समत भाई को लग रहा था मेरी एक्सपर्टीज़ ना काफ़ी है, तो उन्होंने कहा लेट मी डू समथिंग फॉर यू, थैंक यू। चलें भाई, ये भाई का तारुफ करवाता जो मैं आपको, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये शेफ़ हैं और अभी ये सऊदीया में होटल में एज ए शेफ़ काम कर रहे हैं और इनका होटलिंग का तजर्बा 13 साल की उम्र से हैं और माशाल्लाह अब इनका दूसरा आईडी कार्ड बनने वाला हुआ है। अब उधर से जाके निकालते हैं, चला उधर चले। ये दीवार का जो काम चल रहा था ये इतनी कंप्लीट हुई है और इसकी स्लैब पे रहती है और ये शॉर्टकट है जी, यहाँ से जाने हैं अब। स्मोग ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया हुआ है, यार तू छोड़ उधर, इधर मेरे पास फार्म पे ही आ जा, फार्म पे ही मेरे साथ। अच्छा लग रहा है काम? हाँ यार भाई, जो बड़ा सूट कर रहा है, इसके ऊपर से उठा लेना मिट्टी पूरी तो फिर ये आराम से प्यार प्यार से जज्बाती नहीं होना।
कि बेलचे से ज़्यादा अच्छा होना था। चल ठीक है, चल यहाँ से भी कर देना, बाकी वो फिर लड़का आता उससे निकलवा लेते हैं। हाँ बेहतरीन। बहुत मेहनती लड़का है ये, देखे बहुत ही नीयत के साथ लगा हुआ है। नीचे से अब देखते हैं ये क्या खजाना निकालता है कि नहीं। और हमारा खजाने का गोल है जी साइलेज। आ गया खजाना भाई, क्या बात है। इसको और ऊपर से जरा साफ सुथरा, मेरी जान के टोटे, इसको पीछे की तरफ फेंकते जाओ, वो फिर अपने लिए अगला काम तैयार कर रही है। बेलचा लाओ ना। बेलचा नहीं ना, इसी में गुजारा करो। पप्पो के घर नहीं आए यार फार्म पे भाई। खुरली ले भी जाओ, खुरली वाले भी जाइए। हां जी खुरली पार कर लीजिए, तो फिर आ तू कर लेगा। हैं कर लेंगे खुरली का, तो आप चलवाइए। चल ठीक चला यार, पानी भी पिए यार, पानी भी पिलाए हैं आपको। बोर का 100 फुट का बोर है, नहीं 100 फुट का ही है। 100 फुट का बोर है, 60 फुट पे नहीं, इतने भी कोई बात नहीं है, क्योंकि 60 फुट तो ये है, अभी दिखा देते हैं। 60 फुट नहीं है ये, मेरे ख्याल से 30 फुट है, पर इसको हमने बनाया है ज़रा ड्रेनेज सिस्टम के लिए, पर ये काम सारा पेंडिंग है। और ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्तों में ये अपनी मंजिल पे होगा काम। सीवरेज? यस बेबी, ये वो जो होता है घर की, घर की बन जाएगी बड़ी सी, समझ गया हूँ। इसमें फिर सारा वेस्टेज वगैरह जो पानी बारिशों का होता है ना वो आया करेगा। पानी पिला रहा है। अभी पीते, कोक नहीं पीनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। निकलते हैं, रुक जाओ। अच्छा समझ, एक क्वेश्चन है, एक जानवर कितने लीटर पानी पीता है? एक जानवर? हाँ डिपेंड्स, वो कितना प्यासा है। एवरेज? एवरेज हाँ तकरीबन रोज का 20 से 25 लीटर पानी पीता है। ये इसकी गर्लफ्रेंड वो है, वैसे ही दूर वक्त आ गया ना। हाँ हमने जानवरों का बंडा तैयार कर लिया है। इस बंडे में जो है जी नीचे साइलेज है, ऊपर पट्ठे हैं, फिर उसके बाद बंडा है, बंडे के बाद तूड़ी है, और ऊपर ये जो वाइड आप देख रहे हैं ये मीठा सोडा है। तो अब इसको डालना शुरू करते हैं अपना पल्ली गांव पे, जो पल्ली है। ले रहा ले रहा, पानी किधर गया? किधर गए वो? पानी लाया खिला के डाल, ताकि खिला के भी डालते। मैं जाना पल्ली डालूँ, मैं थोड़ी तोड़ चुपा के लाओ थोड़ा मिल जाए। भाई लेट हो गए, और इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।